सब्सक्राइब कीजिए दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली क्लासेज में प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट और उसके इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का सबसे पहले लेते हैं कि उसने चाय नहीं पी है। उसने चाय नहीं पी है, तो ही हैज नॉट टेकन टी। अब इसका हम नेगेटिव लेते हैं, ये नेगेटिव हुआ। अभी इंट्रोगेटिव लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या उसने चाय पी है, क्या उसने चाय पी है। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से अभी तक कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस, और उसको इंग्लिश में बनाते वक्त हम उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैज़ ही टेकन टी। अब हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, उसने चाय कब पी है, तो व्हेन हैज ही टेकन टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। क्या उसने तुम्हें बुक नहीं दी है, हैज ही नॉट गिवन यू द बुक। ठीक है फ्रेंड, तुमने ताजमहल क्यों नहीं देखा है, तुमने ताजमहल क्यों नहीं देखा है, तो व्हाई हैव यू नॉट सीन ताजमहल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड्स। अब मैं इसी में इन्फिनिटिव सेंटेंसेस वाला इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस लेता हूँ, तो आप इसको लिख लेना, देख लेना एक बार अच्छी तरह से और समझ लेना। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, एक बार आपको बेसिक में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स बनाना आ गया तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ समझ माना चाहिए नेगेटिव के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव में क्या, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, और क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो क्या वह तुमसे मिला है, नहीं तुमसे मिलना चाहा है, तो हैज ही वांटेड टू मीट यू। उसने परीक्षा पास करने की कोशिश
की है, उसने परीक्षा पास करने की कोशिश की है। इसमें परीक्षा पास करना और कोशिश करना, ये दो वर्ब आ गए। तो ही हैज ट्राइड, थर्ड फॉर्म, टू पास द एग्जाम। ठीक है फ्रेंड, मैंने अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है, मैंने अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है। इसमें बोलना और सीखना दो वर्ब आ गए। तो आई हैव नॉट लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लड़के पहचानने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गलती कर बैठते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ ना मैं, काफ़ी सारे लड़के कन्फ्यूज़ होते रहते हैं क्योंकि इसका कोई सटीक पहचान का नियम नहीं है कि लास्ट में यही चीज़ आएगा। मैंने पहली बार भी बताया था कि इसमें कोई सटीक पहचान के नियम नहीं होते हैं, आपको सेंटेंस के द्वारा समझना होता है कि अगर सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि काम पूरा हो चुका है, पूरा काम हो गया है या नहीं हुआ है, तो उस तरह से सेंटेंस को पहचानने का यही तरीका है, उस तरह के सेंटेंस को पहचानने का यही तरीका है कि सेंटेंस के द्वारा समझा जाए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे भी सेंटेंस का अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दी है, खी है, इस तरह से आते हैं, मतलब सेंटेंस से ये पहचान में आ जाता है कि काम पूरा हो जाने की बात की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद।